पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहा है। मिर्जापुर सीजन 2 खत्म हो चुका है और दोस्तों हमें इतना तो पता चल ही गया है कि मिर्जापुर का सीजन 3 पूरी तरह से गारंटीड है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मिर्जापुर 2 के खत्म होने के साथ साथ हमें ये दिखाया गया कि मुन्ना त्रिपाठी यानी देवेंदु शर्मा के कैरेक्टर का भी अंत हो गया है। गुड्डू भैया और गोलू जब मुन्ना को मारते हैं तो उसके बाद सबको यही लगता है कि मुन्ना का खेल खत्म और मिर्जापुर की गद्दी पर भी विराजमान हो जाते हैं गुड्डू भैया। लेकिन आपको बता दें कि मुन्ना नहीं मरा है, बल्कि पार्ट 3 में होने वाली है मुन्ना की जबरदस्त वापसी। दरअसल मिर्जापुर के मेकर्स को लगा कि सीरीज के अंत में मुन्ना त्रिपाठी का मरना शायद इसके अगले सीजन को कमजोर ना कर दे और इसी वजह से मेकर्स ने मुन्ना के किरदार को अगले सीजन के लिए भी जिंदा रखा हुआ है। और हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में खुद देवेंदु शर्मा ने इसके हिंट दिए हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया कि मिर्जापुर 3 में मुन्ना त्रिपाठी के वापस लौटने की कोई संभावना है, इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंदु कहते हैं कि साइंस में एक थ्योरी है कि दुनिया में केवल 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका दिल दाहिनी तरफ होता है। इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए खुद को अमर बताया। दरअसल मिर्जापुर 2 के अंत में गोलू मुन्ना को मारने के लिए उनकी छाती की दाहिनी तरफ पिस्तौल रखती है और गुड्डू पंडित यानी अली फजल गोलू का हाथ पकड़कर मुन्ना के बाएं तरफ यानी दिल के पास पिस्तौल रख देते हैं। अगर मुन्ना का दिल उनकी दाईं तरफ है तब तो पूरी उम्मीद जताई जा सकती है कि मुन्ना की जान बच गई होगी। अगर ऐसा होता है तो मिर्जापुर सीजन 3 में भी मुन्ना त्रिपाठी का बोकाल जारी रहेगा। जाहिर है कि मुन्ना के किरदार को लोगों ने इतना प्यार दिया कि मरने के बाद भी उन्हें पब्लिक डिमांड पर वापस जिंदा करना पड़ा। अब देखते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर विराजमान गुड्डू को मुन्ना क्या सबक सिखाते हैं। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर भेजें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको भी इस वीडियो पर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।